एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू बार के अंदर आज शेप के बारे में बताना। शेप की हिंदी होती है आकृति। जैसे ही शेप पे हमने क्लिक किया, शेप पे कई सारी डिज़ाइन नज़र आई, हमने रेक्टेंगुलर को ले लिया। जैसे ही रेक्टेंगुलर को हमने क्लिक किया, पेज पे लाके माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करके, तो ये एक शेप आई। शेप में चारों तरफ से बॉक्स में डाउन ड्रॉप नज़र आ रहा है, जिसको क्लिक करने से या तो शेप को आप छोटा कर सकते हैं या तो शेप को आप बड़ा कर सकते हैं। तो शेप के साथ यहाँ रेक्टेंगल यानी यहाँ रोटेश का विधि नज़र आई, रोटेट घुमाने के लिए। शेप में आप कर्सर लाना चाहते तो कर्सर नहीं आती है। शेप के अंदर कर्सर लाने के लिए शेप पे राइट वाला बटन, माउस के पॉइंटर ले जाके एडिट एड टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते कर्सर बिहाइंड आ जाती है। फिर हम कोई जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं। यहाँ तो टेक्स्ट से बात समझ आ गई, लेकिन जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट हट जाती है और हमारे सामने जो शेप की मेनू ऑप्शन आई थी वो हट गई। शेप पे जैसे ही क्लिक किया, शेप के साथ टेक्स्ट बॉक्स टूल्स नज़र आती है। इसके अंदर कई सारा यहाँ लिखा है ड्रो टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही ड्रो टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करते तो एक बॉक्स का फिर डायग्राम नज़र आ जाता है, यानी उसी शेप के अंदर एक ड्रो बॉक्स भी आप कर सकते हैं। बाहर क्लिक करने पे वो बॉक्स रहता है, आप अलग से बॉक्स ला सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, अगर आप सपोज डैट आप ये चाहते हैं जो शेप आई है वो हटा दिया जाए और ये टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट डायरेक्शन है दिशा, आप कई सारे डिज़ाइनों को दिशा में बदल सकते हैं, ये आपको ऑटोमेटिक है। यहाँ लिखा हो क्रिएट लिंक, अगर आप चाहते हैं कि इस बॉक्स को किसी से लिंक जोड़ा जाए तो क्रिएट लिंक बॉक्स पे क्लिक करते ही आपका नीचे लिख रहा है यूज दिस माउस टू क्लिक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट द फॉरवर्ड लिंक। जैसे सपोज डैट आपको ये लिंक से जोड़ने के लिए, लेकिन इस खबर का आपको समझ नहीं आएगा। टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल, टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल का मतलब होता है कि अगर आपने जो शेप लिया है उसके अंदर आप जो कलर करना चाहते हैं शेप का, आप शेप ले सकते हैं। ठीक इसी स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए शेप फिल में कहा, शेप का हिंदी होता आकृति, फिल का हिंदी होता भरना। कई सारे कलरों का डिज़ाइन दिखा रहा है। अगर आपने सपोज डैट ये फिल कर दी हरा कलर से, अगर कलर नहीं चाहते तो नो फिल करना चाहेंगे। फिर नो फिल के नीचे यहाँ लिखा हुआ मोर फिल कलर, अगर आप मनचाहा कलर चाहते और भी डिज़ाइनदार कलर तो आप उसे सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे वो कलर यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। शेप के अंदर आगे एक ऑप्शन है पिक्चर, अगर आप चाहते कोई शेप में कोई फिगर आ जाए, कोई कलर ना रहे और एक पिक्चर रहे, तो आप पिक्चर पे जाकर कोई पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। सपोज डैट हमने ये बच्ची को सेलेक्ट किया, हमने जैसे इंसर्ट कर दिया तो वो शेप में वो पिक्चर इंसर्ट हो गई। अगर हम चाहते हैं कि पिक्चर भी इंसर्ट ना हो, ग्रेडियंस हो, तो आपका मन चाहे कलर का डिज़ाइन सिंबल नज़र आ रहा है वो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं टेक्सचर आ जाए, तो कई सारे मार्बल का कलर हर समय देखते हैं कि हम जब घर बनाते हैं तो बाहर में कोई कलर रहता है, दरवाजे का कलर ग्रेडेड मार्बल का कलर लगा के रखते हैं दरवाजे के गेट पे। ठीक इसी प्रकार शेप के अंदर आप कोई भी मार्बल का कलर आप ले सकते हैं। अब रही पैटर्न्स की बात, तो जैसे ही शेप फील के अंदर जाते हैं तो यहाँ पैटर्न्स नज़र आती है। पैटर्न पे क्लिक करते ही हमारे सामने वही ग्राफ ग्रेडेंस टेक्सचर पैटर्न्स पिक्चर। पैटर्न्स में दो कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो हमने रेड कलर को चूज किया और हमने बैकग्राउंड में येलो पीला कलर लिया। हमने जैसे ओके किया तो हमें ये ग्रेडियंट्स के अंदर पैटर्न्स का रूप नज़र आया। तो हमने पूरा शेप फिल के विधि को समझा। उसके नीचे है शेप आउटलाइन, अगर हम चाहते हैं कि आउटलाइन का कलर लाल हो तो हमने लाल चूज कर लिया। हम चाहते हैं कि कोई आउटलाइन का कलर ना हो तो नो आउटलाइन में। फिर मोर आउटलाइन कलर वही है, विड्थ की मोटाई, अगर हम चाहते हैं कि आउटलाइन का कलर की मोटाई बढ़ जाए तो विड्थ में जाके हमने आउटलाइन का कलर ले लिया। अगर हम चाहते हैं कि डैश वाली डिज़ाइन हो तो कई सारे डिज़ाइन में आप रोटेशन कर सकते हैं ले सकते हैं। नीचे यही है चेंज शेप, अगर हमने शेप को जो लिया है वो रेक्टेंगुलर है, हम चाहते हैं कि शेप हार्ट में बदल जाए, तो हमारे सामने स्क्रीन पे जो शेप है हमने उस शेप के अंदर चूज जाके कि चेंज शेप बदल दीजिए शेप को। शैडो इफेक्ट पे जैसे क्लिक करते हो तो शेप के अंदर आप देख रहे हैं शेप पहले नॉर्मल था, अब इसके अंदर शैडो आ गई। शैडो की हिंदी परछाई होती, कई सारे परछाइयों का डिज़ाइन, तो शेप अलग है परछाई ये अलग है। अगर हम चाहते हैं कि परछाई को निकाला जाए तो डाउन एरो अप एरो से परछाई अंदर जाएगी, लेफ्ट एरो से परछाई लेफ्ट में भागेगी, राइट से राइट में भागेगी, ये मूव कराने के लिए।
3D इफेक्ट में जैसी जाते तो कई सारे डिजाइनिंग अफेक्टेबल नजर आती है। आप इफेक्ट में जाके मनचाहा ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इफेक्ट के अंदर कोई कलर नीचे नजर आ रहा है, 3D कलर, आप चाहते हैं कि कोई कलर के अंदर रूपांतरण हो तो आप कर सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं। डिप्थ उसकी गहराई की बात आ रही है, आप 0 कर देंगे एकदम कम हो जाएगी, 36 PT करेंगे, 72 इन्फिनिटिव अनंत तक करेंगे तो देखिए उसकी डायरेक्शन का हिंदी होता है दिशा, घुमाने के लिए, मूव कराने के लिए। लाइटिंग अगर बढ़ाना चाहते हो तो देखिए लाइट वगैरह भी समझ आ गई। आप नीचे मेटल प्लास्टिक मेटल वायर जो करना चाहते हो, जो डिज़ाइन में करना चाहते हो कर सकते हो। अब आप मन चाह घुमाना चाहते हो तो आपके लिए मन चाह घुमाने के लिए यहाँ है, आपसे घुमाना चाहते हैं, डाउन से घुमाना चाहते हैं। पोजिशन आपने पहले भी देख रखा है, पोजिशन में जाते हैं तो ये एक पेज की 9 डायग्राम बनती, लेफ्ट का सबसे ऊपर, लेफ्ट का बीच और लेफ्ट का सबसे नीचे, बीच का सबसे ऊपर, बीच का बीच, बीच का सबसे नीचे, राइट का सबसे ऊपर, राइट का बीच और राइट का सबसे नीचे। ब्रिंग टू फॉन्ट, शेन टू बैक, टिक स्ट्रैप, अलाइन ग्रुप, रोटेट, हम लोगों ने वर्कआउट पहले ही देख रखा है। आपके अंदर तमाम ऑप्शनों का वर्क बताया गया है, एक टूल्स के अंदर टूल्स बाय टूल स्टेप बताई जा रही है, आगे जो भी स्टेप आएगी सब पार्टिकुलर अकेला अकेला वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप बेहतर से बेहतर क्वालिटी को अर्जित करें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।